¿Qué haces? Smile. ¿Y de qué es Jimmy, verdad? माझ्या उदर तू जेव ना वा गुड गर्ल कधी हस दिया करो थोडा देखो इधर स्माइल झालं तुमचं सगळं जा धरा धर ये देखो गंदा बच्चा काय पाय मस्त झालेत हा काळजी घेऊन सरा विशाखा आली बघ विशाखा नाही झालं ग तिचं बर तिला आंघोळ करून पाठवते हा मग खेळायला येईल त्या हॅलो एवरीवन गुड आफ्टरनून कैसे आप लोग वेलकम टू बैक माय चैनल एंड मैं हूं सरिका आज वैसे ग्रहण तो सब लोग जानते हैं तो ग्रहण हमारे घर में ग्रहण के दिन जब तक ग्रहण खत्म नहीं होता है तब तक खाना वाना नहीं बनाते हैं तो अभी बजे है 2 मेरा सब कुछ हो गया है फर्श वगैरह पूरा मैंने घर साफ कर दिया है ना तो इसलिए मुझे थोड़ा लेट हो गया अभी मैं बना रही हूँ झुमका एंड राइस झुमका मीन्स आपको मालूम है ना महाराष्ट्र का बहुत फेवरेट है जैसे कि मैंने मेरी रेसिपी पहले ऑलरेडी शेयर की है आप लोग जाके मेरी लिंक चेक करके देख सकते हैं मतलब मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते ये जो झुमका है ना झुमका एंड राइस बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है मेरा तो बहुत फेवरेट है मेरी छोटी मम्मी है ना वो झुमका बहुत अच्छा बनाती है आप लोग सोच रहे होगी ये छोटी ये क्या है छोटी भोड़ी ये बहुत ही अजीब बहुत ही अच्छी कहानी है अलग कहानी किसी दिन फुर्सत में बताऊंगी अगर आप लोग इंटरेस्ट रही तो ये मैंने झुमका बनाने के लिए घोल बना के लिया है इसमें मैंने डाला है बेसन 3 चम्मच थोड़ा सा हरा धनिया डाला है नमक डाला है अजवाइन डाला है तो ये मैं घोल जब पूरा अनियन पक के रेडी हो जाएगा तो उसमें मैं ये ऐड कर दूंगी एंड यहाँ पे मैंने टोमेटो चॉप करके लिया है थोड़ा सा हरा धनिया है ये जब पूरा झुमका पक के रेडी हो जाएगा ना तो ये ऊपर से गार्निश करने में अच्छा लगता है टेस्ट के लिए बहुत अच्छा लगता है अलग ही फ्लेवर आता है एंड ये गार्लिक है लहसुन अगर आप चाहे तो पहले भी इसे तड़का लगाने के लिए डाल सकते हैं बट मैं थोड़ा सा अनियन फ्राई करके फिर बाद में डालती हूँ क्योंकि इससे टेस्ट अच्छा आता है हमारा गार्लिक जो है मतलब लहसुन वो खराब नहीं होता है खराब मीन्स ज़्यादा पकता नहीं कभी कभी मेरा ज़्यादा भून जाता है बहुत काला काला पड़ता है जैसे एक मेरी एक फ्रेंड है तो उसने कहा था कि आज आपको देखने को नहीं मिला तो मतलब बहुत सारे मेरे फ्रेंड हैं जो मुझे डेली का ब्लॉग ही देखना पसंद करते हैं रेसिपी वगैरह आप डालो ठीक है बट आपका रोज का डेली का ब्लॉग बहुत पसंद आता है पता नहीं मैं तो बहुत ही सिंपल ब्लॉग बनाती हूँ जो मेरा रियल नेचुरल एंड एकदम सिंपल लाइफ है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ये बहुत अच्छी बात है आप लोगों को पसंद आ रही है ये गला मेरा कब ठीक होगा पता नहीं आज वैसे मैं झुमका में थोड़ा सा हरा मिर्च थोड़े लाल मिर्च पाउडर डालने वाली एकदम थोड़ा सा सरा को पता भी नहीं चलेगा
क्योंकि उसको ना थोड़ा सा तीखा खिलाने की अभी मैं आदत डालने वाली हूँ, उसको पता नहीं है। बहुत इतना सा एकदम छोटा सा डालती हूँ, थोड़ा सा।
गैस पे जो रखा हुआ दूध गर्म था तो वो ठंडा हो चुका है, तो अब हम इसे रख देंगे फ्रिज में। उसके बाद मैं जाऊंगी स्वरा को सुलाने के लिए, क्योंकि अभी बहुत लेट हो चुका है, तो पहले सुलाऊंगी मैं स्वरा को। मेरा पूरा किचन क्लीन एंड ये मेरा बचा हुआ सूजी का हलवा है जो मैंने गुड़ डाल के बनाया है, यानी कि जागरी। सच में शक्कर का यूज़ ज़्यादा करने से तो अच्छा है कि हम लोग घर में जागरी का यूज़ करें, जागरी मीन्स गुड़ का यूज़ करें। गुड़ से हर एक चीज़ें बहुत अच्छी बनती है, जैसे कि सूजी का हलवा हो, मूँगफली के लड्डू हो, या फिर कोई खीर हो, या फिर बादाम का हलवा हो, तो वो भी गुड़ से बहुत ही अच्छा एंड टेस्टी बनता है। बच्चे तो बहुत ही बड़े प्यार से खाते, मेरी स्वरा को तो गुड़ का सूजी का हलवा बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पर मेरा पूरा काम जो है आज जो हो गया है एंड मेरा डेली ब्लॉग जो है आज वो कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। तो आज का मेरा दिन तो ऐसा था, आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर कि आपको मेरा आज का ये ब्लॉग कैसा लगा। एंड वैसे तो अभी मैं जा रही हूँ अपना पूरा एडिटिंग का काम करने के लिए। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, दिल दिन बाबा।